গারুলিয়ার কাঙালিঘাটে গঙ্গার গ্রাসে তিনটি ঘর, আতঙ্কে বাসিন্দারা। গঙ্গা ভাঙন রোধে গারুলিয়া পৌরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডে কাঙালিঘাটে গত 24 জানুয়ারি থেকে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে 24 জানুয়ারি থেকে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে শুরু হয়েছে কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণের কাজ। যদিও গঙ্গার ভাঙনে অনেক আগেই ঘাট সংলগ্ন একাধিক বাড়ি গঙ্গার গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে, এদিকে বাঁধ নির্মাণে শাল বল্লি পড়তেই ফের বিপত্তি দেখা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা চন্দন চৌধুরী জানান, শুক্রবার গভীর রাতের দিকে ঘরের প্রাচীর ভেঙে নিচে পড়ে যায়। আওয়াজ পেয়েই ঘুম থেকে উঠে ছুটে ঘুরের বাইরে বেরিয়ে আসি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সচক্ষে তিনটি পাড়ের অন্যান্য বাসিন্দারাও ভয়ে বাড়ির বাইরে চলে আসেন। ঘর বানায় না ভাইয়া, আমলো কা ইতনা মতলব দিমাগ খারাপ হয়ে ঘর বানায়। দো তলা ঘর হ্যাঁ ভাইয়া, আর ঘর কে পিছে ভি ঘর হ্যাঁ, আর ঘর কে বগল মে হ্যাঁ, আর অগল বগল দোনো তিন চার গো ঘর হ্যাঁ ভাইয়া। জব হামলো কা ঘর উপর সে গিরেগা ভাইয়া, তো ঘর কে উপর হি ঘর গিরেগা, তো এক তো দূসরে কা ক্ষতি হোগা হি হোগা, মেরা ভি ক্ষতি হোগা, আর জো ঝগড়া লড়াই জো হোগা কি আপকা ঘর মেরে উপর ঘর গিয়া गिर गया है, इसका दायित्व हम अभी से बोल रहे हैं कि जो भी काउंसलर है उसको हम नहीं बोल सकते। पौरसभा क्या बोल रहा है? पौरसभा हम क्या बोले, देखिए ना बल्ला गाड़ रहे हैं। अभी हम लोग जाकर कोई ऑब्जेक्शन करेंगे तो बोलेंगे कि क्यों ऑब्जेक्शन किए हैं। और बताइए क्यों नहीं करेंगे? हम लोग यहीं का नागरिक है, यहीं का बासिंदा है। अगर हम यहीं का सरकार से अपना मांग पूरा नहीं कराएंगे तो कहाँ मांग पूरा कराएंगे? ये तो हम थान मतलब कल रात को क्या हुआ था? कल रात को ही हम लोग मतलब सोए हुए थे, धप से आवाज़ आया तो हमको लगा कि बम उम फूटा है ना क्या उस पार में, तो देख रहे हैं कि घर ही गिर गया भैया। मतलब देखिए इनका बीबी जो है वो घर छोड़ के चली गई है कि आपका घर द्वार नहीं है, वो गांव पर रह रही है, उनका भाई लेके गया। उसका बीबी रहती तो उनका जान का क्या होता, क्योंकि आदमी तो इन्होंने रह जाता है, लेकिन जे लेडीज़ जो है वो तो घर में ही रहेगी ना भैया। अभी बल्ला गड़ा रहा था, हम दो मतलब बैठे हुए थे, अब प्रणाम कर रहे थे, देख रहे हैं कि मेरा पलंग मतलब हिल रहा है, तो हम बोले कि कैसे हिल रहा है, तो देख रहे हैं कि बल्ला गड़ रहा है, धम धम आवाज़ हो रहा है भैया। अब बताइए घर के ऊपर हमारा घर है, किसी का नुकसान होगा तो उसका दायित्व कौन लेगा? आतंक में है, बहुत आतंक में हम लोग बैठे हुए हैं भैया। मतलब रात दिन हम लोग क्या सोचे, अभी तो घर से निकल गए कि कब गिर जाए किसी के घर के ऊपर, हम क्या कर सकते हैं बताइए। आपका नाम? रेखा चौधरी। कल शाम 6 बजे से रूम के अंदर क्रैक का आवाज़ आ रहा था, और 12:30 बजे करीब लेफ्ट साइड से उसका दीवार गिर गया। जब बाहर निकल के देखे तो वो थोड़ा थोड़ा एक दो ईंट गिर रही थी, बट अचानक से 1 बजे करीब 3 रूम एक साथ गिरा इकट्ठा, तो पूरा रूम मतलब हमसे 10 मीटर्स की दूरी पे गिरा था घर, लेकिन हमारे घर के अंदर पूरा वाइब्रेशन हो गया था, लाइक अर्थक्वेक के जैसा आया था। तो उससे डर तो लग गई थी बहुत ज़्यादा, रात भर जगे ही हुए थे। बस ये था कि हमारे घर गिरा है, 3 घर गिरा है। कितना आतंक में है अभी? जी बहुत बहुत चिंता में है, डर में है। अच्छा। कि और यहाँ के जो प्रशासन है वो हेल्प नहीं कर रहा है, बस वो आते हैं देख के चले जाते हैं। और कितने यहाँ पे बहुत सारी, अब मेरा स्कूल रहता है, पापा काम पे जाते हैं, अगर मम्मी जा रही है तो उनको कहा जाता है कि लेडीज़ क्यों आ रहे हैं हमारे पास, जेंट्स आओ, फिर बात होगा, लेडीज़ लोग से बात नहीं होगा। आपका नाम? अभिषेक चौधरी। ट्रेडिशनल होक बा ट्रेंडी नारी পূজো মানি প্রিয় গোপাল বিষয়ে কলকাতায় আর জেলায় জেলায়। ভ্যান অথবা রিক্সাকে মোটর চালিত যানে পরিণত করার ঠিকানা রাজ ই সাইকেল অ্যান্ড টোটো হাব। সঙ্গে রয়েছে টোটো সার্ভিসিং এর ব্যবস্থা। পাশাপাশি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় দা, বটি, কোদালের মতো বিভিন্ন লোহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ঠিকানা সিটি বাজার, কাঁচাপাড়া। যোগাযোগ 8100071948।